इसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि कॉमेडी सर्कस के लाडले कृष्णा सुदेश आ रहे हैं पहली बार कॉमेडी सर्कस का जादू में। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। शेखर जी, ये मैंने आपके लिए किया था। शकीरा नहीं तो फकीरा ही सही। शेखर जी, ये बहुत सच्चा आर्टिस्ट है। देखो फोटो में भी बिलो द बेल्ट कुछ नहीं कह रहा। तू अभी तक जिंदा है। मुझे पता था साले तू मेरे बिना अकेला मर भी नहीं सकता। क्या कर रहा है यहाँ पे, बताऊं? साले शर्म नहीं आती? 2 महीने पहले भी यही डांस करता था, अभी वही डांस। अबे साले, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इन लोगों को ऐसा ना लगे कि कॉमेडी का डेली शो करने के बाद कहीं मैं स्टार तो नहीं बन गया, बदल तो नहीं गया, इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा यार, तू ऐसा क्यों सोचता है? जो तू है ही नहीं ऐसा क्यों सोचता है? क्यों बोलेंगे वो यार, क्यों ऐसा सोचता है? अबे बकवास बंद कर साले। अरे पूछ इनसे कि मैं कितना बड़ा स्टार बन गया हूँ। तो यार उन्हें क्या पता स्टारडम क्या होता है, वो तो बेचारे जज हैं। शेखर जी, मन बड़ा खुश हुआ, कितने दिनों बाद आप मुझे मिले हो। मन, अर्चना जी आप काफी मिस करते रहे हो मेरे को बहुत। और शेट्टी साहब, आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो हमेशा। अबे शेट्टी साहब कहाँ हैं? नहीं है, नहीं है। वो बंदा सही नहीं था वैसे। पता बात क्या है, देख उसने तेरे को फिल्म के लिए बोल के भी तेरे को नहीं लिया। हाँ। कितनी बेइज्जती। मैं सही हूँ, मेरे को बोला ही नहीं उसने। साले। अरे रोहित शेट्टी आने, उसकी बेइज्जती कर रहा है तू। शेखर जी क्या सोचेंगे? यार शेखर जी क्या सोचेंगे, जब वो नहीं थे हम उनकी नहीं करते थे। क्या ओए, क्या? पहले पूरी बात सुन लो। मैंने कहा हम उनकी नहीं करते थे। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि वो वापस आएंगे। अच्छा, तुझे कैसे पता कि वो वापस आएंगे? ओ यार कमाल है, जिस बंदे के लाखों रुपए फंसे हो वो वापस नहीं आएगा। हेलो सुरेंद्र, तू पैसे देता क्यों नहीं उनके? और आप ठीक है सर? मैं आपको जॉन साहब क्या बताऊँ, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। एक मिनट, पहले मैं फैन हूँ आपके लिए स्कूल ले गया हूँ। जॉन साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। मैंने कई फिल्में तो आपकी पूरी देखी हैं। नहीं नहीं, पता क्या है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही एक्टरों को मानता हूँ, एक अमिताभ बच्चन और एक दिलीप कुमार जी। आप भी मानते होंगे वैसे हैं। अबे साले बकवास बंद कर। यार लेरी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये कुछ दिनों से मैं कहीं कहाँ चला गया था और इन लोगों ने आपको शो से निकाल दिया था, है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है आजकल? मैं अपने अगले शो की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो पिछले की क्यों नहीं की थी? अब देखना, मैं शो बनाऊंगा अलग से, इतना बड़ा शो बनाऊंगा और तेरे से ज्यादा बड़े तरीके से फ्लॉप करवाऊंगा, तब बदला पूरा लूंगा। ये क्या फ्लॉप करवाएगा? चल रहे, मैं जा रहा हूँ चैनल वालों के पास, तेरा शो बंद करवा के तुझसे बदला लूंगा। जॉन साहब, आप पहली बार आए हो हमारे प्रोग्राम में। ये हम ऐसे ही लड़ते रहते हैं, अंदर से हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। बाकी हम दोनों का इतना नाम जुड़ गया, कृष्णा सुदेश, कृष्णा सुदेश। आप बीवी प्यार भी करती तो कहती मजा आ गया कृष्णा सुदेश। अच्छा जॉन साहब, ऐसे जोड़ी आपकी भी बहुत फेमस हुई है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन। ये विपाशा बनाने कौन है यार? चलो, हमने कौन सी जिगर से बेड़ी जलानी। तालियां। और क्या माहौल जो बना है। सही बात। हेलो सर, आई एम फाइन सर। आई एम फाइन ही होता, हाउ आर यू पूछते हैं, हाउ आर यू पूछते हैं। कोई पूछता ही नहीं है सर, इसलिए आई एम फाइन बोल के काम चला लेती हूँ ये पूछो कि मैं कौन हूँ, क्यों पूछो, क्योंकि ये भी मुझसे कोई नहीं पूछता है सर। और अगर कोई मुझसे पूछ रहे ना सर, फिर मैं ऐसी ऐसी हरकतें करती हूँ ना। मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं एक गाल पे पप्पी ले लूंगा। अबे गुस्से में कोई पप्पी लेता है? पप्पी तो लोग प्यार में लेते हैं। प्यार में सिर्फ मैं पप्पी पप्पी पे नहीं टिकता। फिर क्या करने आई यहाँ पे? सर मैंने सुना आप एक शो बना रहे हो। हाँ जी। मेरे को एंकर रख लो ना सर। तेरे को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि तू एंकर बन सकती है? ऐसी चीज क्या है तेरे में? ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है सर। तू क्या समझती है कि ऐसी टांगे दिखा के तू एंकर बन जाएगी? वैक्सिंग क्यों नहीं कराई? सर पैसे नहीं है, एक सीन दे दो मैं वैक्सिंग कर लूंगी। देखो कितनी डरावनी टांगे हैं, शेखर जी का सारा ध्यान मेरे पे लग गया। Oh my God, इस आदमी को किधर देखा लगता है। अरे किसने नहीं देखा, शेखर जी हैं। शेखर जी नहीं, मैं दिन में देखने की बात कर रही हूँ। Oh John, oh my God, oh John, John मुझसे शादी कर लो ना, हमारी जुड़वा बच्चे होंगे जॉनसन एंड जॉनसन। और क्या क्या कर लेती है? सर मैं बहुत जोश में डांस कर लेती हूँ। अच्छा जोश में? जोश क्या, जोक पे भी मैं डांस कर सकती हूँ। अच्छा हाँ। चलो हमारा तो प्रोग्राम ही कॉमेडी देखते हैं। हाँ। एक हाथी होता है और एक चींटी होती है और दोनों की शादी हो जाती है और दोनों की सुहाग रात होती है। और रुक क्यों गई? मैं सुहाग रात पे किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ तू क्या भगाएगा मेरे को साले, मैं तेरे को देख लूंगी। भगवान करे तेरा शो सोनी टीवी के लिए बने और केवल टीवी पे आए साला। देखो मैं तो इस शो पे भी नहीं आ रहा था सर, लेकिन क्या करूं, इमोशनल हूं ना मैं। एक बंदा आके पैरों पे गिर जाए कि प्लीज मुझे रख लो, तो इन्होंने रखना ही था फिर मुझे। पहचाना साहब? कौन है तू? अरे साहब आप वही हो ना, कल शाम को 6 बजे अंधेरी स्टेशन पे गिरा हुआ वड़ा पाव खा रहे थे। हाँ साहब मैंने आपको देखा, मैं हवाई जहाज से जा रहा था। साले तूने हवाई जहाज से मुझे नीचे देख लिया? साले जब तू नीचे से हवाई जहाज देख सकता है तो मैं हवाई जहाज से तेरे को नहीं देख सकता हूँ। क्यों आए यहाँ पे? साहब मैंने सुना है कि आप एक शो चालू कर रहे हो। यस। मेरे को डायरेक्टर रख लो ना। तो यार कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, तेरे को डायरेक्टर चाय वाला, तू शर्मा भाग जाएगा। वो चाय वाला हो के तूने सोच कैसे लिया कि तू डायरेक्टर बनेगा है? ये मैं कोई छोटा मोटा चाय वाला नहीं हूँ। चाय तो मैं पार्ट टाइम बेचता हूँ, मेरा मेन काम है समोसे बेचने का। हाँ। ये खुद साला, वो एक तो तू गरीब है, ऊपर से तू कमीना भी है। गरीब भी हूँ कमीना भी हूँ। हाँ। तो प्रोड्यूसर रख ले। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब अरे डायरेक्शन काय का यार, घंटा चीजें कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन में क्या है, यू जस्ट हैव टू सेट द कैमरा। लेडीज एंड जेंटलमैन जस्ट लिसन, सेट द कैमरा, से लाइट कैमरा एक्शन, आर्टिस्ट विल बी परफॉर्मिंग, देन कट, देन फिनिश, ओवर सर। सीखो सीखो। वो एक चाय वाला गरीब आदमी इतनी इंग्लिश बोल सकता है, तुम लोग नहीं बोल सकते? कमाल। अरे बहुत छोटी बात है सर, आदमी याद करे तो क्या कुछ नहीं बोल सकता। अब शेखर जी को देख लो, 10 मिनट की इंग्लिश याद करके आते हैं, इधर बोलते हैं, लोग सोचते हैं बहुत वेल एजुकेटेड हैं। शेखर जी कमाल है, 10 मिनट की याद करके आधा घंटा कैसे बोल लेते हो? अरे बोलने से क्या होता है, काम की बात तो सिर्फ 10 मिनट की करते हैं ना। अच्छा खैर एक बात बता यार, इस शो में हम लोग कॉम्पिटिशन में क्यों नहीं है बॉस? ओ यार इन बच्चों के साथ हमारा क्या कॉम्पिटिशन, अगर फिर हरा दिया तो? आप बात तो सही बोलता है, इसलिए नंबर नहीं तो कम से कम हम कमेंट ही ले लेते हैं इनसे। लेकिन एक मिनट यार, 10 दिन से मगजमारी हो गई है इधर। ये जॉन का फोटो मैंने अपना हाथ से बनाया, देखो। हाँ बहुत अच्छे। हाँ क्या बात, बहुत मेहनत लगी जॉन साहब, 10 दिन। ये मैं आपको गिफ्ट करना चाहूंगा। अपना भी कुछ दोस्ताना जैसा ही है साहब। आई लव यू साहब। करते हैं इस बार। How did you like the performance? सुदेश is brilliant और कृष्णा और हम दोनों काम कर चुके एक साथ फिल्म में और मैं सच कह रहा हूँ I am a real big fan of कृष्णा। मैं इनका इतना बड़ा फैन हूँ। सुपर कृष्णा, love you man। Thank you very much, thank you। अर्चना जी आपको कैसी लगी इनकी वापसी? मैं तो कब से वेट कर रही थी कि these two badmashes will come back। Thank you for coming back and you guys are amazing always and I love you from the bottom of my heart. Welcome back. शेखर जी, बहुत अफसोस की बात है कि जो उम्मीदें आप लोगों से लगाई थी, जो सोचा था कि आप लोग यहाँ पर आकर कुछ नया करेंगे या कुछ नया बोलेंगे, कुछ नए पंचेस होंगे, हम लोग कुछ नया एंजॉय करेंगे, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप उन उम्मीदों से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के आपने परफॉर्म किया। बहुत बढ़िया सुदेश, कृष्णा, वेलकम बैक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुदेश और कृष्णा है हमारी स्पेशल जोड़ी। वेलकम बैक एंड प्लीज टेक योर सीट, जोरदार ताली।